मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री बिसाहूलाल सिंह के स्वर्ण महिलाओं को लेकर दिए गए बेतुके बयान का विरोध शुरू हो चुका है। शुक्रवार को कर्णी सेना ने श्रीकृष्ण टॉकीज तिराहे पर इकट्ठा होकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया। गुस्साए समाजजनों ने पुतला भी फूंका। पदाधिकारियों ने सरकार से मंत्री बिसाहूलाल को बर्खास्त के वैधानिक कार्यवाही की मांग की। पदाधिकारियों ने मंत्री साहू पर कार्यवाही नहीं होने पर प्रदेश स्तरीय आंदोलन की चेतावनी दी है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश शासन के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री बिसाहूलाल, जो कि एक जवाबदार पद पर बैठे हुए मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, महिलाओं के प्रति, स्वर्ण महिलाओं के प्रति एक घोर अपमानजनक बयान देते हैं कि ठाकुर परिवार की महिलाओं को, तरुण समाज की महिलाओं को घर से बाहर खींचकर बाहर निकालो और उनसे काम करवाओ। ये सिर्फ राजपूत समाज ही नहीं, संपूर्ण स्वर्ण समाज की महिलाओं का अपमान है। कुछ समय पहले ऐसा ही अपमान श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी किया था, माइके लाल बोलकर चुनौती दी थी, जिसका स्वर्ण समाज ने मुखर होकर विरोध किया था और उनको विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। अब एक बार फिर उनके मंत्री ने एक आपत्तिजनक बयान दिया है, महिलाओं का अपमान किया है, जिसको लेकर हम सभी बहुत आक्रोशित हैं और मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि तुरंत इस गैर जिम्मेदार व्यक्ति को अपने पद से हटाएं, उन्हें बर्खास्त करें और नारी सम्मान के लिए एक अच्छा उदाहरण पेश करें। सरकार ने अगर आपकी बात नहीं मानी तो? सरकार ने अगर नहीं माफी मांगी, उन्हें बर्खास्त नहीं किया, तो हम क्रमबद्ध रूप से आंदोलन चलाएंगे। बिसाहूलाल जहां भी जाएगा वहां करणी सेना उसका विरोध करेगी, पर विरोध करेगी, पूरे प्रदेश में विरोध किया जाएगा। देवेंद्र सिंह यादव। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।